इंट्रोडक्शन करते हुए हमारे पीएम विधायक श्रीमान सुदर्शन सिंह जी रावत साहब। ये नर्मदगढ़ टीम है जो अजमेर जिले की है और कल जो ओलंपिक चलेंगे वो ग्रामीण जो नर्मदगढ़ में होंगे बॉयज टूर्नामेंट और उद्घाटन वहीं से होगा। सामने हमारे एम्पायर दिलीप ठान साहब जो पटना खेला के आए हैं, आगे मदन सिंह रावत मुंडेती से ये भी प्रिंसिपल एम्पायर है, इनके आगे सुरजीत ठाक जो दिलीप ठाक के बड़े भाई है, और सामने टीम है राज्य आवास श्री राम स्टोर राज्य आवास, दोनों टीम में पड़ोस की है नर्मदगढ़ और राज्य आवास। मूल रूप से खिलाड़ी बाहर से आए हैं सारे अधिकतम, मेला कमेटी द्वारा साफ का इंट्रोडक्शन करवाते हुए ये सभी नीचे बैठ जा भैया, ये कोना नीचे बैठना पड़ेगा पूरा, ये कोना आगे आगे पूरा नहीं ज्यादा आगे आगे, आप कौन जी कह रहे हैं हो गया, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ बैठ जाओ, ओ ऊपर से भी देखो बालकोनी से भी आवाज आ रही है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बालकोनी बॉक्स की आवाज आ रही है, बैठ जाओ। पंचायतों के शेखावास के बोरवा के बार के सारो डूंगरखेड़ा बिल्यावास मसूदा के और ब्यावर क्षेत्र के दरवाजा के तमाम पंचायतों से पधारे हुए सभी नौजवान साथियों, हमारे सभी सरपंच साथीगण, हमारे तमाम पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी कबड्डी के शानदार खिलाड़ी और नौजवान साथियों, ये आपने एक छोटी सी मांग आप लोगों ने रखी थी कि यहाँ पे हमारे को एक स्टेडियम होना चाहिए और आज मुझे खुशी है कि आप सब लोग इसमें शानदार तरीके से मैच देख रहे हो और ये व्यवस्था बनाने वाली ये जो कमिटी है इसका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा मैच हो रहा है और यही वो जगह है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी 31 तारीख को आपकी कबड्डी देख करके गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आए गहलोत साहब और यही जगह पे कबड्डी का मैच देख के गए, और हमने लगेतखेड़ा की जगह सात पंचायत की जगह इसलिए चुनी थी कि इस इलाके में कबड्डी का बहुत प्रचलन है और लोगों का बहुत इच्छा रहती है कि कबड्डी के खेल को आगे बढ़ाए। वैसे तो पूरे भीमदेवगढ़ में स्टेडियम बन रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पर जितना अच्छा उपयोग आपने इस जगह का किया है पूरे लगेतखेड़ा और आसपास के नौजवानों का मैं धन्यवाद देता हूं, आपने इस खेल के प्रति और इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करी। अभी मेरे को लोग बात कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ पे मैट के ऊपर कबड्डी होनी चाहिए, आप चाहते हो कि मैट के ऊपर कबड्डी हो? अगर आप चाहते हो तो अगली बार अपने यहाँ पर भी मैट के ऊपर ही कबड्डी होगी, ये बात भी मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, 100% पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ी आए पूरे देश के और मगरा क्षेत्र कहीं पे पीछा नहीं है, कहीं पीछे नहीं हम लोग, और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में इस पूरे सात पंचायत क्षेत्र में कोई जगह तय करके पूरे राज्य स्तर का कोई शानदार कबड्डी स्टेडियम हम यहाँ पे बनवाएंगे जहाँ पे आप सब लोग मजा आएगा देखने का कबड्डी और खेलने का, क्योंकि आज कबड्डी का मैच है, इससे ज्यादा भाषण नहीं देखे आपकी तमाम नौजवानों को इस कबड्डी के खेल में जो पार्टिसिपेट करने आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद। जिंदाबाद।